देश का कोई दिग्गज नेता खुद चुनाव लड़े, खुद ही खुद के खिलाफ चुनाव प्रचार करे और खुद ही खुद की जमानत जब्त करवा दे, क्या कोई नेता ऐसा भी हो सकता है? जवाब है हाँ। भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता भी हुए और उन्हें हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। 1957 में मथुरा से चुनाव लड़ते हुए वाजपेयी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, खुद चुनाव लड़े थे, खुद के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था और खुद ने ही खुद की जमानत जब्त करा दी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि उस चुनाव में हारना ही उनका मकसद था और उस हार में ही उनकी जीत थी। हुआ ये कि मतदान के कुछ दिनों पहले से जनसभाएं कर अटल बिहारी वाजपेयी अपने विरोधी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने लगे। इस दौरान कई मंचों से वाजपेयी ने कहा कि मथुरा वालों, मैं चाहता हूं कि मथुरा से आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जिताओ और मेरी चिंता छोड़ दो। नतीजा यह हुआ कि अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र सिंह तो चुनाव जीत गए लेकिन वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई। खुद को हराने में आखिर अटल बिहारी वाजपेयी की दिलचस्पी क्यों थी? दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे, लेकिन उनका परिचय यहीं तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो 32 साल तक देश से बाहर रहकर अंग्रेजों से लड़ते रहे। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, राजा महेंद्र प्रताप के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूं। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। आजादी मिलने के बाद 1951-52 में देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेसी उम्मीदवार से उनको हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में राजा महेंद्र की हार से अटल बिहारी वाजपेयी बहुत व्यथित हुए थे और अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि आज एक क्रांतिकारी हार गया। और तभी अटल ने बनाया था राजा महेंद्र को संसद तक ले जाने का अटल प्लान। 5 साल बाद जब फिर 1957 में लोकसभा चुनाव हुए तो दूसरी बार फिर मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा महेंद्र चुनाव मैदान में थे और प्लान के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने मथुरा से चुनाव लड़ा और जनसभाओं के जरिए अपना वोट निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र को ट्रांसफर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गया, राजा महेंद्र विजयी हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की मथुरा चुनाव में जमानत जब्त हो गई। हालांकि उसी चुनाव में बलरामपुर सीट से अटल को सांसद चुन लिया गया था।